डिविडेंड क्या है और कुछ कंपनी डिविडेंड पे करती हैं और कुछ कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती हैं आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं एक इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के परस्पेक्टिव से चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है जब कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे डिविडेंड बोलते हैं क्या डिविडेंड काइंड में भी हो सकती है यस डिविडेंड काइंड में भी हो सकती है जब कंपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को तो उसे डिविडेंड इन काइंड बोलते हैं बट कंपनी टू थाउजेंड थर्टीन ये अलाउ करता है डिविडेंड पेमेंट ओनली इन कैश इट मीन द डिविडेंड विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इन टू देयर होल्डर्स बैंक अकाउंट यहाँ पर कैश का मतलब हार्ड कैश नहीं होता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर होल्डर्स पर्स्पेटिव शेयर होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न एक्सपेक्ट करता है जो की ऑब्वियस है उसने पैसा लगाया है कंपनी में इस रिटर्न को मीट करने के लिए शेयर होल्डर्स के पास दो रास्ते हैं एक कैपिटल गेन एंड द सेकेंड इज डिविडेंड जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन होता है इसको समझने के लिए के एक एग्जाम्पल छोटा सा ले सकते हैं सपोज आपने एक शेयर को परचेज किया है हंड्रेड रुपीज पर आफ्टर वन ईयर इसकी मार्केट प्राइस जो है वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी है तो आपको आफ्टर वन ईयर इस पे जो रिटर्न है वो ट्वेंटी रुपीज का रिटर्न है एक तरीके से जो की अन कैपिटल गेन है क्योंकि अभी आपने शेयर बेचे नहीं है लेकिन इसे रियलाइज करने के लिए आपको शेयर्स को बेचना पड़ेगा हंड्रेड ट्वेंटी में देन ट्वेंटी का आपको जो प्रॉफिट है कैपिटल गेन वो रियलाइज हो जाएंगे पर ये तो बात हुई जब शेयर प्राइस बढ़ती हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में तो प्राइस गिर भी सकती हैं और ऐसे सिचुएशन में कैपिटल गेन नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को रिटर्न जो है वो डिविडेंड से मिलता है है अगर कंपनी पे करती तो सो इसीलिए कंपनी डिविडेंड पे करती है यानी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर होल्डर्स के डिसीजन मेकिंग में जब वो एक रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम कंपनीज परसपेक्टिव आपने नोटिस किया होगा सम कंपनीज लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड वाइल सम ऑफ देम डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट डिडेंट लेकिन डू यू नो वाई कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं चलिए उससे पहले देखते हैं उन कंपनीज को जो डिविडेंड पे नहीं करती हैं ये जनरली वो कंपनीज होती हैं जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं इस तरह की कंपनीज अपने अर्निंग को री इन्वेस्ट करती हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि इस पे वो अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं री इन्वेस्ट करके राधर देन टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड कभी कभी कंपनी इसलिए भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती क्योंकि उसने स्ट्रेटेजिक बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करनी होती है लो कैश फ्लो इन स्पाइट ऑफ लार्ज कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया है पर सेल के अगेंस्ट रियलाइज नहीं हुए हैं सिचुएशन बहुत रिस्की होती है है इसलिए क्योंकि चांसेस की कहीं बुक्स को मैनुप्लेट न किया गया हो चलिए आप देखते हैं उन कंपनी को जो डिविडेंट रेगुलरली पे करना पसंद करती है और पे भी करती है इनमें अमूमन वो कंपनीज होती है जिनके पास सफिशियंट कैश फ्लो होती है जैसे की ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनीज बैंकिंग सेक्टर कंपनी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंपनीज इनके पास कैश यूज होती है इसलिए ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंट भी पे करती है ऐसी डिविडेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है बिकॉज इट गिव्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू कंपनी एज एज वेल शेयर होल्डर्स और इन सेक्टर्स के कंपनीज रेगुलरली डिविडेंट इसलिए पे कर पाती है क्योंकि ये कंपनीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से नाउ लेट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू डिविडेंट जिसमें सबसे पहले आता है अनाउंसमेंट डेट या इसे डिक्लेयर डेट भी बोलते हैं इस डेट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ये अप्रूव करते हैं कि कंपनी विल पे द डिविडेंड इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस प्रपोजल को शेयर होल्डर से अप्रूव कराना होता है जनरल मीटिंग में नेक्स्ट वन इज एक्स डिविडेंड डेट ये वो डेट होती है जिस डेट पे शेयर होल्डर्स शेयर बाई फिर होल्ड करते हैं इस डेट के बाद तो वो शेयर होल्डर्स डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं जनरली ये डेट कंपनी डिसाइड करती है नेक्स्ट इज पेमेंट डेट जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये वो डेट होती है जिस डेट पे कंपनी डिविडेंड की पेमेंट इशू कर देती है इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड्स ऑन शेयर प्राइस चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि जब डिविडेंड अनाउंस होती है तो शेयर प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट होता है जैसे कि हम सब जानते हैं डिविडेंड पेमेंट इज मतलब कंपनी कैश पे करेगी इसका मतलब है बैलेंस शीट से कैश रिड्यूस हो जाएंगे और इफेक्ट साइड भी आएंगे जिसमें रिजर्व से इक्वल अमाउंट रिड्यूस हो जाती है ये तो बात हुई कंपनी के बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट है लेकिन समझते हैं मार्केट प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट होता है स्टार्टिंग में डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट से शेयर प्राइस इंक्रीज होती है डिविडेंड अमाउंट के इक्वल और बाद में फिर ये डिक्लाइन भी होती हैं एक्स डेट तक डिविडेंड अमाउंट के इक्वलेंट ही तो डिविडेंड अनाउंसमेंट इस तरह से मार्केट प्राइस को इफेक्ट करता है इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल